फ्रेंड्स, जैसे भी आप एम्ब्रॉयडरी वाली इस तरह से जो लहंगा ब्लाउज आ रही है उसके लिए जब आप सिलाई करते हैं ना, ये देखिए पहले से इसमें ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह से शेप बना हुआ है प्रिंसेस कट का। तो जब भी आप इसको सिल लें ना, तो एक चीज़ याद रखिए, क्या यहाँ पर देखिए सारे जो स्टोन लगे हैं ना, आपको यहाँ तक तो निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो सुई टूट सकती है। तो देखिए इसका जो शेप बना है, हमें यहाँ से स्टिच करना होगा पूरा इसको यहाँ तक, यानी आपने इस तरह से निशान देखना है। ये वाला जो चीज़ है आपका, ये वाला ऐसे आना चाहिए। तो यहाँ से आपको सारे के सारे ये जो है ना स्टोन्स निकाल देने होंगे। अगर आप स्टोन्स नहीं निकालेंगे तो आपकी सुई टूट सकती है। तो ये मेरे साथ हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं सील रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा सुई टूट गया। लेकिन आप ये ध्यान देख कर करिएगा, जब भी आप लहंगा ब्लाउज की स्टिच करते हैं ना, तो इस तरह से जो भी स्टोन हो ना, प्लीज़ उसे निकाल दीजिएगा, नहीं तो आपकी सुई जो है टूट सकती है। तो इसे हम इस तरह से जो है साइड से इस तरह से निकाल देंगे सुई को, सॉरी इस जो स्टोन है, इन सभी को यहाँ तक जैसे आप मार्क कर लीजिए कि यहाँ से प्रिंसेस कट जो शेप बना हुआ है दिख रहा है आपको, बस यहाँ से आप इसको निशान इस तरह से निशान लगा के ये सारे जो है स्टोन निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ के जरा स्टोन्स में निकाल लिया, इसे इस तरह से हम पलटेंगे। ये देखिए शेप जो बना है, शेप से हम जब सिलाई करेंगे इसको, यहाँ से सिलाई करते हुए आएंगे, तो ये जो है ना हमारा जो सुई टूटने का डर नहीं रहेगा। आराम से हम इसकी सिलाई यहाँ से इसको पकड़ के और ऐसे इसको सिल सकते हैं। ये वाले प्रिंसेस कट में शेप जो इसका बना हुआ है, आपको प्रिंसेस कट बनाना है इसको, इसको सिल लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ से सीने से क्या होगा, हमारे यहाँ पे सुई जो है चुभेगी नहीं, लगेगी नहीं, और अच्छे से ये बैठ जाएगा। आराम से आप इसको सील सकते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ तक निशान लगा के स्टोन को जो है निकाल लिया है। बस इसको आप शेप देते हुए ऐसे लाएंगे, ये वाला चीज़ जो है इस तरह से शेप देते हुए लाना है। इसको इस तरह से सिलना है। अब आपको कोई यहाँ पे डर नहीं है कि सुई टूटने की। केयरफुली करना, फिर भी आप एक बार चेक कर ले, जैसे यहाँ पर है तो आपने थोड़ा सा कपड़ा को इधर करके सिलना है। ये देखिए यहाँ से सिलाई हो गई है, और ये मैंने सारा स्टोन निकाल दिया था कि ताकि कहीं लग ना जाए मशीन में। तो इस तरह से आप जब अपनी सिलाई करते हैं ना, जैसे रेडीमेड जो आपको इस तरह से बना बनाया मिलता है, और आपको इसको सिलना समझ में नहीं आता कैसे सिलें, तो सबसे पहले देखिए प्रिंसेस कट में इसका शेप बना हुआ था। बैक से भी दिखा देती हूँ, ये प्रिंसेस कट में इसका शेप बना हुआ है। आपको प्रिंसेस कट में ही इसको सिलना, कैसे आप चाहे तो इस एक प्लेट यहाँ लगा कर एक यहाँ लगा कर सिल सकते थे, लेकिन इसको मैंने प्रिंसेस कट में इस तरह से शेप बना दिया। और दूसरी बात, जब इसको सिलना है तो ये वाली जो स्टोन यहाँ पर लगी हुई है, ऑब्वियसली इसको लग सकती थी जो स्टोन सी, यहाँ पर ये वाली स्टोन देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से ऐसे टर्न कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ के स्टोन यहाँ तक जो है ना सारे स्टोन निकाल दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।